आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट ऐप के बारे में, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट ऐप से शिफ्ट ऑर्डर को कैंसिल कैसे करेंगे। यानी आपने गए यहां पे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर को कंप्लीट किया और वो आपका जो ऑर्डर है वो आपका गए यहां पे ऑर्डर शिफ्ट भी हो चुका है, और यहां पे शिफ्ट होने के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कैसे कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप शिफ्ट ऑर्डर को कैंसिल कैसे करेंगे, और मैं आपको इस वीडियो में शिफ्ट ऑर्डर कैंसिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर आप भी कैंसिल करना चाहते हैं अपने ऑर्डर को तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिसमें कि मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहां पे आपको करना क्या है कि यहां पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अकाउंट वाला एक सेक्शन। सिंपल यहाँ पे अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर का एक सेक्शन। सिंपल यहाँ पे ऑर्डर के सेक्शन में जाएंगे, और इसमें से गाइस यहाँ पे आपको जिस भी ऑर्डर को कैंसिल करना है सिंपल आप उस ऑर्डर पे जाएंगे। तो मैं गाइस यहाँ पे इस वाले ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल इस वाले में यहाँ पे ऑर्डर पे जाऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर 172 रुपये का है, साथ ही ये जो मेरा गाइस यहाँ पे ऑर्डर है वो शिफ्ट भी हो चुका है। और ये जो मैंने गाइस यहाँ पे ऑर्डर किया था वो मैंने यहाँ पे पेमेंट करके मैंने ऑर्डर किया था, तो इसका मुझे रिफंड भी लेना है। तो गाइस यहाँ पे अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया होगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने पेमेंट करके ऑर्डर किया होगा तो रिफ़ंड भी मिलेगा। मैंने भी पेमेंट करके किया था, मैं भी आपको रिफ़ंड भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो गाइस यहाँ पे ऑर्डर और शिफ्ट है, नीचे में गाइस देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट ऑर्डर का। सिंपल गाइस यहाँ पे आपको एडिट ऑर्डर पे जाना है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप जाएंगे तो नीचे में गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है आई वॉन्ट टू कैंसल माई ऑर्डर। तो सिंपल गाइस आपको इसमें जाना है। जैसे इसमें आप जाएंगे तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिखने को मिलेगा जहाँ पे आपको कंफर्म आपको अपने ऑर्डर कैंसिल करना है। तो सिंपल यहाँ पे नीचे में कैंसिल ऑर्डर दिख रहा है, सिंपल आप कैंसिल ऑर्डर पे जाएंगे। उसके बाद फिर से गाइस आपसे कोई रीजन पूछेगा तो इसमें से गाइस आप यहाँ पे कोई भी एक रीजन को चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो गाइस यहाँ पे 172 रुपये वो मेरा रिफंड आने वाला है, तो सिंपल गाइस यहाँ पे आप जैसे ऑप्शन का चूज करेंगे यहाँ पे आपको कुछ लिखने को बोलेगा, तो गाइस आपका मन हो कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे। और सिंपल यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा गाइस यहाँ पे आपको गाइस दिखाई दे रहा है यहाँ पे रिफंड स्टेटस 172 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में रिफंड मुझे मिलेगा। सिंपल आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको जाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंसिलेशन कन्फर्म। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो गाइस यहाँ पे ये वाला ऑर्डर है वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे मैं होम पेज में आ चुका हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि जो आपका जो गाइस यहाँ पे बैलेंस होगा वो गाइस यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो फ्लिपकार्ट ऐप से कुछ इस प्रकार से शिफ्ट ऑर्डर को कैंसिल कर पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।